नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा गाना है लेके, पहला पहला प्यार, वो कैसे कीबोर्ड पे आप बजा सकते हो। सबसे पहले इस गाने का जो पीछे रिदम यूज़ हुआ है, कॉर्क के PS 600 में मेरे को वो रिदम नहीं मिला। अगर किसी को पता हो कौन सा रिदम है, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कौन सा रिदम है। लेकिन मैंने अभी एक RD3 का रिदम है, वो RD3 के रिदम में स्लो मोशन में दिखाया है पूरा बजा के, तो वो खाली रिदम बीट के लिए है। ओके, तो वो ओरिजिनल रिदम गाने का है नहीं, बट बीट के लिए डिस्को टाइप का रिदम लगाया है ताकि आपको टाइमिंग पता चले। फिर ये गाना है जी शार्प माइनर स्केल में। जी शार्प माइनर स्केल कौन सा? ये जी शार्प डी और डी शार्प, ये जी शार्प माइनर का गाना है। अब आपको दिखाता हूँ इसका प्रील्यूड। ओके, यहां से गाना चालू होता है लेके पहला पहला प्यार। ओके, अब मैं आपको ये गाना स्लो मोशन में सारे कीज दिखाता हूँ एक बार। ये जी शार्प माइनर का, तो यहां से चालू होता है। ओके, वापस दिखाता हूँ। ये इसके बेसिक नोट्स है, ये इसके जो पहला पीस है। अब ये गाने की जो बजाने की खूबसूरती है वो हल्के हल्के टच में है। ओके, सो ये जो हल्के हल्के टच करते हैं उसी में बजाने का उसका वो मैजिक क्रिएट होता है। अगर प्लेन मैंने ये बजा के आपको दिखा दिया तो आपको मजा नहीं आएगा। ये बेसिक सुर ये है, लेकिन वो जो बजाने वाले हैं बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के हारमोनियम प्लेयर्स हैं जो वो हल्के हल्के टच करके बजा सकते हैं, मेरे से वो बचता नहीं है। तो आपको बेसिक नोट्स दिखा दिए कौन से हैं, फिर आप अपने जितनी आपकी प्रैक्टिस आप बजाओ। ओके, ये 4 बार होएगा। ये पोर्शन 2 बार बजेगा। और फिर ओके, वापस क्लोजिंग कैसे करेंगे इसका? यहां से लेके पहला पहला प्यार चालू होता है। ओके, अब मैं आपको इसका मुखड़ा दिखाता हूं एक बार, रिदम के साथ स्लो मोशन में बजा के दिखाऊंगा, फिर सारे कीज दिखाता हूं। ओके, अब इस गाने का इंटरल्यूड दिखाता हूँ। ये इंटरल्यूड ऐसे बजेगा, सेम जैसे मुखड़ा बजाता है ऐसे, खाली उसमें लास्ट में पीस चेंज होता है। ओके, तो सारा स्टार्टिंग का पीस सेम बजेगा, ऐसा 4 बार बजेगा, और फिर यहां से उसका अंतरा चालू होता है। ओके,
कैसे बजता है? तो इसका मुखड़ा वाला रिदम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको इत्तला होएगी, मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। और बस कुछ नहीं, ऐसे ही पियानो बजाती रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय।